अपने आप को फिर से रियलाइज कराने के लिए जस्ट टू अगेन मेमोराइज दैट हाउ ट्रेजिक एक्सीडेंट्स कैन हैपन ड्यू टू शियर ह्यूमन नेग्लिजेंस एंड व्हाई शुड वी डिस्कस आज ही. आज ये जो नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसैनेट के लीकेज से बहुत सारी जाने गई थी, और ना सिर्फ उस दिन जाने गई थी बल्कि उस जो पोल्यूशन रिलेटेड इवेंट का असर था वो कई जनरेशन्स को भी उसने मुतासिर किया, उसको नुकसान पहुंचाया है. तो ये दिन हम आज ऑब्ज़र्व करते हैं ताकि लोगों में, सब में, पॉलिसी मेकर्स में, जनता में और इंडस्ट्रीज़ में, सब जगह ये अवेयरनेस हो. हम अपने आप को फिर से याद दिलाएं कि पोल्यूशन कैसे हमारी लाइफ्स को अफेक्ट करता है, कैसे हमें नुकसान पहुंचाता है. और पोल्यूशन ना सिर्फ इंडस्ट्रियल लेवल का हानिकारक होता है, हर तरह का पोल्यूशन जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, जो हमारे इलीगल पॉलीथीन पानी में जाते हैं, जो कचरा सेग्रीगेट नहीं होता है और फिर लैंडफिल्स में जाता है, जिससे ना सिर्फ हवा प्रदूषित होती है, हमारे पानी, हमारी मिट्टी, सभी में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसका नुकसान ना सिर्फ आज बल्कि आने वाली कई पुश्तों तक बढ़ता ही जाता है. तो ये दिन जो है हमें याद दिलाता है कि किस तरह कि हम अपना जो जीवन में, अपनी ज़िंदगी में जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि हम पोल्यूशन और एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं और पोल्यूशन को हर तरह से प्रिवेंट करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करें. भोपाल त्रासदी के बाद काम बहुत ज़्यादा हुआ है. हर एक तरह के जो वेस्ट है, हर तरह के पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं, हर तरह की गाइडलाइंस हैं, चाहे वो पोल्ट्री और डेयरी मैनेजमेंट की हों, चाहे इंडस्ट्रीज़ में एयर और वाटर, एयर एमिशन की हों, वाटर डिस्चार्ज की हों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी स्टैंडर्ड्स हैं, ETP लगाने के, STPs लगाने के. अब हम आगे जो जा रहे हैं वो जो सरकार के निर्देशों के अनुसार, अब हम इंडस्ट्रीज़ को और जो बड़े बड़े वेस्ट जनरेटर्स होते हैं और उनको अब हम ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि जो भी वेस्ट वाटर होता है वो वेस्ट वाटर वापस रिसाइकल हो, रीयूज हो. इसी तरह से एमिशन के जो एयर एमिशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं. हमारी रेगुलेशंस